G20 जैसे देशों का नेतृत्व आज भारत कर रहा है आजादी के अमृत महोत्सव अमृत काल के अंदर, ये भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। और इसलिए जब हम सब आज प्रत्येक शक्ति केंद्र में महामहिम राष्ट्रपति जी के सही भाषण को वाचन कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तब हमारे सामने बातें सामने स्पष्ट होती है। एक तरफ वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की ताकत का, भारत के गौरवगान की यशोगाथा दुनिया गा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो भारत को वैश्विक मंच पर वह सम्मान नहीं देना चाहते। वे हमेशा जब भारत के बाहर रहते हैं तो दुनिया में जाके भारत की क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, भारत के लोकतंत्र को कोसते हैं। और कोसने वाले कौन लोग हैं? जिन लोगों ने स्वयं जब उन्हें अवसर मिला था लोकतंत्र के गले को घोंटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये वही लोग हैं, ये लोकतंत्र की दुहाई वे लोग दे रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र के गले को दबाने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती। दुनिया में जाते हैं भारत की बुराई करते हैं, भारत में आते हैं तो केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की बुराई करेंगे और दिल्ली में आएंगे तो केरल की बुराई करेंगे। ये इन लोगों की फितरत है, इसलिए इन चेहरों को देखने की आवश्यकता है। ये लोग देश की संसदीय परंपराओं को, देश के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं और उसके माध्यम से फिर उसी विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो उन्हें खानदानी विरासत मिली है। बांटो और राज करो, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, तमाम अन्य वादों के आधार पर समाज को विभाजित करने की उनकी मानसिकता, ये विभाजन की और देश को ले जाने के जो कुत्सित प्रयास हैं, उनकी इन किसी भी उस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देना है। कोई सोचता था दक्षिणांचल में हमारे यहां सबसे ज्यादा पलायन होता था, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस और इन देशों में सर्वाधिक लोग गए थे। और आज जितना उद्योग यहां आने जा रहा, हमने 200 करोड़ रुपए तो केवल यहां जमीन खरीदने के लिए दिया है कि मैंने कहा धुलिया पार से लेकर के गोला होते हुए और सिकरीगंज और खजनी तक इतनी जमीन खरीदो, इतने उद्योग लगे कि यहाँ के नौजवानों को तो नौकरी मिले ही मिले। जो लोग कभी किसी कालखंड में यहाँ से बाहर गए थे वे आकर के भी अपनी जन्मभूमि में आकर के यहाँ पर अपना प्रतिभा का लाभ यहाँ के लोगों को दें, यहाँ के विकास में अपना योगदान दे सके। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लिंक एक्सप्रेस वे यहाँ जुड़ रहा है, अच्छी सुविधाएं यहां हम लोग देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। और हमारा यह भी प्रयास है आने वाले समय में यहां से हम लोग वाटर वे की सुविधा देंगे। पूर्वी बंदरगाह के साथ यहां के किसान सब्जी और अपने खाद्यान्न को पहुंचा करके एक्सपोर्ट की सुविधा का लाभ ले सके, इसके लिए भी यह सुविधा बहुत तेजी के साथ आगे विकसित करने का कार्य होगा।